हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फिक्स्ड कैपिटल। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल से आप क्या समझते हैं? फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक फर्म अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में करती है, जिससे उनको फ्यूचर में काफी लंबे समय तक कुछ बेनिफिट होगा, प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा, उसको उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, एंड दे मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी को। Decision relating to fixed capital involves huge capital funds and are not reversible without incurring heavy losses. जो भी decision होता है fixed capital involvement का या investment का, इसमें बहुत सारा पैसा company का लगा होता है। और अगर वो decision एक बार ले लिया गया, एक बार आपने fixed assets में invest कर लिया है, तो आप उसको reverse नहीं कर सकते। अगर आप reverse करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा loss हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अराइजेस। क्यों जरूरत पड़ती है फिक्स्ड कैपिटल की? फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हुज बेनिफिट्स विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर्स। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, जिनसे हमें लंबे टाइम तक अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल वुड एनहांस द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जितनी ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल होगी, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ही ज्यादा हम लोगों की फ्यूचर अर्निंग स्टेबल होगी। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल वुड इम्प्रूव द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने अच्छे तरीके से किया है, अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में भी क्या होगी, इंक्रीमेंट आएगी। The significance of fixed investment decision arises because of the following factor. क्या significance है, क्या importance है? सबसे पहली long term effect, capital, fixed capital का long term effect होता है। ये one time investment होती है और long time till your future या आपको profit देने वाली investment होती है। इसीलिए fixed capital investment को पे कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, जो मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, वो अच्छे से मीटिंग करते हैं और कैपिटल बजटिंग और अपने फंडिंग के वेज को चेक करते हैं। सेकंड जो आती है, दैट इज कमिटमेंट ऑफ फंड्स, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लार्ज। फिक्स्ड कैपिटल के केस में बहुत ज्यादा पैसा एक ही बारी में ब्लॉक हो जाता है, और अगर कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा पैसा एक ही बारी में ब्लॉक कर रही है, तो वो चाहेगी कि उसको लंबे टाइम तक फ्यूचर में क्या हो, बेनिफिट हो, इन प्रॉफिट अर्न हो। अगर ऐसा ही उनका डिसीजन नहीं होगा और वो ऐसे ही किसी भी उसमें अपने लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनको लॉसेस बेयर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, दैट इज द कमिटमेंट ऑफ फंड्स, कि आपकी ऐसी एस्टिमेटेड अमाउंट होनी चाहिए कि हमारा जो फंड है वो ब्लॉक भी ना हो, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, और उसकी रिकवरी हम जल्दी से जल्दी कर लें और इन फ्यूचर हमें उसके बेनिफिट्स भी मिलें। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज अ रिस्की प्रपोजिशन। रिस्की भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंड इन्वॉल्व होता है और लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो फंड लॉन्ग टर्म के लिए ही ब्लॉक हो जाता है। इट अफेक्ट्स द रेवेन्यूज ऑफ द फर्म इन लॉन्ग टर्म। अगर गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो लॉन्ग टर्म में आपके रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा। कोई भी मिस्टेक कैपिटल बजटिंग में अगर आपने कर दिया, तो वो आपके रिस्क फैक्टर को और इंक्रीज कर देगा इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इररिवर्सिबल डिसीजन, अभी हमने करा था कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है वो एक इररिवर्सिबल डिसीजन है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा दिया, तो मतलब वो लग गया, उसको आप रिवर्स कर नहीं सकते। अगर आपको उसको रिवर्स करना है, उस प्रोजेक्ट को आप छोड़ना चाहते हो, उस एसेट को आप छोड़ना चाहते हो, तो आपने जो पैसा लगाया था वो आपका डूब जाएगा और आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को? सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस, कि क्या नेचर है बिजनेस का, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, क्या वो एडवर्टाइजिंग फर्म है, कैसी भी फर्म है, उस हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट करता है किसको, हमारे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, कैसा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है या स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, वहीं अगर लार्ज है तो हमें फिक्स्ड कैपिटल मोर चाहिए और हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी एज कम्पेयर टू फिक्स्ड कैपिटल वो कम होगी।
नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। एक ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी में है, तो वो उसी हिसाब से लेबर को भी हायर करें। ऐसा ना हो कि वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में कर रहे हैं, मशीनरी खरीद के ले आए, लेकिन लेबर को लाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, सैलरी ही नहीं बची है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। कंपनी को दोनों टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी दोनों चीजों को, लेबर वर्सेस मशीनरी को ध्यान में रखते हुए टेक्निक को सेलेक्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब क्या हुआ, आपने आज कोई मार्केट में मशीन आई है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, तो आपने वो परचेज कर ली और उसमें आपने अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत महंगी मशीन थी। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट एक हफ्ते बाद एक और मशीन आई है जो आपकी मशीन के ही जितने रेट की है, बट वो उससे और अच्छा काम करती है। तो आपको क्या हो जाएगा, आप उस अभी आपने परचेज करी है तो आपको ये हो जाएगा कि अभी तो मैंने परचेज करी और लेकिन उससे बेटर आ गई, अगर मैं वो खरीदती हूँ या खरीदता हूँ तो मेरा इस वाली मशीनरी का पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी इफेक्ट करती है। आपको नहीं पता कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपग्रेड हो जाएगी और आपकी बिजनेस को इफेक्ट कर देगी। तो अगर आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स आपकी फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होगी ही होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कंपनी के जो कंपनी होती है उसके बहुत सारे ग्रोथ प्लान्स होते हैं और जितने ज़्यादा ग्रोथ प्लान्स होंगे उनके लिए उसको उतनी ही ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपके पास प्लांट होना चाहिए और मशीनरी होनी चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने में मदद करें। डाइवर्सिफिकेशन, इन अ केस ऑफ कंपनी गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि अगर एक कंपनी वुड का काम करती है तो उसको वुड के काम के लिए मशीनरी चाहिए होगी, वहीं अगर वही कंपनी डिसाइड करती है कि वो प्लास्टिक के चीजें भी बनाएगी तो उसको प्लास्टिक की चीजों के लिए भी मशीनरी को परचेज करना पड़ेगा और दोनों के प्लांट एक साथ नहीं हो सकते, हो सकता है दोनों के प्लांट अलग अलग जगह पे भी लगाने पड़े। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी आपकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फर्म विच सेल इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर्स रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल। वो फर्म जिसको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, होलसेलर या रिटेलर की जरूरत होती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में या कस्टमर तक पहुंचाने में, जब वो थर्ड पार्टी का यूज करते हैं तो उनको फिक्स कैपिटल कम और वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर फर्म खुद ही डिसाइड करते हुए कि वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी कस्टमर को, खुद का ही एक होल, खुद का ही एक शोरूम क्रिएट करेगी, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कोलैबोरेशन, अगर एक कंपनी कोलैबोरेट होती है या जॉइंट वेंचर बनाती है, अगर एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है तो उसको लेस कैपिटल चाहिए, क्योंकि उनके प्लांट्स और मशीनरीज क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। वहीं अगर दो कंपनी डिसाइड करते हैं कि हम कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम साथ में आके काम करेंगे, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो हम लोगों के जो प्लांट्स और मशीनरी हम शेयर कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वापस अपने अपने हो जाएंगे। तो कोलैबोरेशन भी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।